नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कैमूर ब्यूरो आशुतोष कुमार सिंह। दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो एंट्री माफिया के साथ साथ अवैध शराब का भी कारोबार कर रहे थे। इनके पास से 2 बाइक और 10 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त मिली थी कि ये लोग बाइक से दुर्गावती से खजुरा की ओर जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस पहले से पैनी नजर रखी हुई थी और ये सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें कई अपराधियों के ऊपर जिले के विभिन्न थाने के आधा दर्जन से ज्यादा मामला दर्ज है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मानकर अपनी पीठ थपथपा रही है। गाड़ी जाने में कोई रोकता नहीं था सर? कैसे गाड़ी चोरी करते थे, क्या रखते थे गाड़ी के लॉक तोड़ने के लिए? सर इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन सर तो गाड़ी चोरी करते थे सर। तो चोरी क्यों करते तो कहे तो बता दीजिए सर। तो हम चोरी था गाड़ी खरीदते सर। चोरी नहीं किया गाड़ी क्या है? चोरी कौन करता था? कितने दिनों से धंधा में शामिल? चोरी बंटी पैसरी का बंटी करते थे। केसरी का बंटी पैसरी है गाँव कस्तरी का पड़ता है वहाँ का बंटी नाम करा रखा है। वो चोरी करते कितने गाड़ी चोरी करके खरीदे तुमने? सर 4-5 खर्चे हैं और बंटी बहुत गाड़ी कर चोरा चोरा कर चली करते हैं। कितने दिनों से धंधे में शामिल हो तुम? सर करीब 4 महीने हो गए। कितना केस है तुम्हारे? सर हमारे ऊपर केस 4 केस। सर मैं फरार हूँ। क्या सर? सर गाड़ी चोरी केस है ना? नहीं सर दारू दारू सर मैं फरार चल रहा हूँ। कितनी गिरफ्तारी है, कहाँ से गिरफ्तारी है? दुर्गावती थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापामारी की गई, जहाँ से कुछ 6 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुए। इसमें से कई कुख्यात अपराधकर्मी है जो कई कारणों में विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरार हैं और उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। उसमें कई जो रोक सड़क पे ट्रकों का एंट्री भी करवाते हैं, सभी को जेल भेजा जाए। सर चोरी की गाड़ी से क्या करते थे सर? ये लोग ये जो गिरफ्तार हुए हैं कई मोटरसाइकिल चोरी के कारण में फरार थे। इनका कहना है कि अब जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे उससे यूपी से शराब ला कर भेजा। एक साल से ये धंधे में और महीनों मतलब लगभग साल भर से फरार भी है कई कांडों में। कितने केसों में सकता है? आधे दर्जन इस पर कांड जो मेरे अभी तक जो सत्यापन हुआ है, भगवा मोहनिया दुर्गावती कई थाना क्षेत्रों से जो ओम प्रकाश ओपी नाम का वो फरार है और का भी आपराधिक इतिहास अभी सब पे सत्यापन कर रहे हैं। कितने लोगों का टीम था इन लोगों का? इन लोगों का पूरा एक गिरोह था। इसमें गिरोह के कई सदस्य के रूप में पकड़े गए थे और दर्जनों मोटरसाइकिल भी रिकवर हुए थे, लेकिन ये अब तक फरार था। क्या सर गाड़ी का भी जब्त हुआ है कुछ? हाँ 2 मोटरसाइकिल भी जब्त हुए और 10 कार्टून से अधिक शराब जब्त हुआ है। बाकी अभी लोग छापामारी की जा रही है। 5 को मोहनिया थाना के भदुई गांव में मामूली गली के विवाद को लेकर के 2 पक्ष जो आपस में पट्टीदार हैं झंझट हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा गोलीबारी की गई जिसमें एक व्यक्ति इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, एक गोली से जख्मी और एक लाठी डंडे से पूरी तरह मारपीट किया गया और दोनों बनारस रेफर। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके कांड में छापामारी की गई। 5 नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुआ है और ये अपराधी भाग करते हुए जिसके जहाँ गए थे सभी के यहाँ छापामारी की गई। इसी क्रम में एक शरण देने वाले व्यक्ति के घर से एक 315 का राइफल देसी राइफल बरामद किया गया।
हाँ, इसके ये जो मुख्य अभियुक्त है उसमें वो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अपहरण और अन्य कई कांडों में जेल भी जा चुके हैं, वो भी फरार है। हाँ, हत्या अपहरण के कई पूरा मामला कहाँ का है सर? ये मोहनिया थाना क्षेत्र का भली गाँव।